आज पांचवा चैप्टर लेके आया हूँ, पांचवा अध्याय इसका हड़प्पा सभ्यता का। इसमें धार्मिक जीवन पढ़ेंगे, राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन। ये सेकंड लास्ट होगी, इसके बाद मैंने ट्रिक्स बताऊंगा नेक्स्ट, जो किस की कहाँ की खुदाई में क्या मिले हैं उसके ट्रिक्स। अभी पहले मेरा पिछले का चार वीडियो देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता से आपका टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो धार्मिक जीवन में मंदिर के अवशेष नहीं मिले। और ये ज्ञान और ये बात गौर करने वाली है कि उस समय जो चार संस थे उसके कॉन्टेम्प्रोरी जितने भी सिविलाइजेशन थे, हर जगह मंदिर मिली है। मिस्र की सभ्यता में भी मिला, मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी मिला, और उधर चाइना की सभ्यता में भी मिला है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिले हैं। मंदिर के बारे में क्लियर। मूर्ति पूजा प्रचलन में था, मूर्ति पूजा का प्रमाण मिला है कि प्रचलन में था। पुरुष देवता के रूप में पशुपतिनाथ को पूजा, मेन देवता इन लोगों के थे पशुपतिनाथ, ठीक है। पशुपतिनाथ का जो मोहनजोदड़ो से मिला है पशुपतिनाथ, तो पशुपतिनाथ जो है वो एक तीन सर वाले देवता है उनके, वो योग के मुद्रा में है, प्लस तीन मुख है उनके, और उसके चारों ओर जानवर है, ठीक है। तो ये है पशुपतिनाथ, पशुओं के स्वामी। कृष्ण को, सॉरी, शंकर भगवान को ही उस जमाने में पशुपति नाम से पूजा जाता था, ये प्रमाण मिले हैं। तो पूछेंगे कि जो पशुपतिनाथ थे वो तीन मुद्रा में, योग मुद्रा में, योगेश्वर मुद्रा में, त्रिमुख मुद्रा में, और पशुपत मुद्रा में। ये जो तीन मुद्राएं हैं उनकी, पूछेंगे किस मुद्रा में नहीं थी वो पशुपति के मूर्ति जो है वो, किस मुद्राओं में नहीं है, किस मुद्राओं में थे। ये तीन मुद्रा में, योग करता हुआ चित्र है, तीन मुख है, और जानवर, इन चार जानवर है, कुछ है मुझे याद नहीं, भैंसा, बाघ, हिरण और कोई एक जानवर है, मुझे वो याद नहीं है, बस उसकी ये याद रखिए। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी पूछ देते हैं, इनके जो प्रमुख देवता थे कौन थे, आद्य शिव दिया जाता, लिखा जाता आद्य शिव, तब आप कंफ्यूज हो जाइएगा आद्य शिव। देखिए इसी पशुपतिनाथ को ही जॉन मार्शल, जो इसके खुद जिसने खुदाई करवा रहा है, जो इसको खुदाई शुरुआत किया था जॉन मार्शल साहब, उन्होंने जॉन मार्शल ने शंकर भगवान के इस रूप का नाम आद्य शिव दिया था। क्लियर, ठीक है। अब इसके स्त्री देवता के रूप में देख लेते हैं। स्त्री देवता के रूप में मातृदेवी को मैन देवता के रूप में देखा जाता है, क्योंकि दूध पिलाता हुआ बच्चा, बच्चे और माँ का प्यार का बहुत ज़्यादा ये मिले हैं, मूर्तियाँ मिली हैं। एक मातृदेवी को उर्वरता की देवी के रूप में भी पूजने का प्रमाण मिला, उर्वरता की देवी। कैसे, एक माँ के गर्भ से एक पेड़ निकल रहा है, इससे क्या पता चलता है कि वो माँ जो बना हुआ है वो धरती है, और वो धरती माता को उर्वरता की देवी के रूप में पूजा करते हैं। तो ये स्त्री देवता और पुरुष देवता क्लियर हो गए आपके, मातृदेवी, उर्वरता की देवी, दो देवताओं का प्रमाण मिला स्त्री के रूप में। वृक्ष पूजा का भी प्रमाण मिला है, जहाँ अच्छा, ये मूर्तियों में कैसे पता चलता था कि ये मूर्ति पूज्य है, उसमें जो चित्र बना हुआ ना उसमें धुएं का भी साइजिंग किया हुआ है, उससे पता चलता है कि उसमें धूप भी दिया जाता है। आजकल हम लोग जो धूप जलाते हैं ना, वो धुएं का चित्र में अंकन भी है वहाँ पे उसके, ये में उससे पता चलता है ये पूज्य थी, ये जो मूर्तियाँ हैं ये पूजा जाता था। वृक्ष पूजा का प्रमाण मिला है, मेन पूजा पीपल के वृक्ष का होता है, जो आज भी हम लोग करते हैं। पीपल का वृक्ष ही एकमात्र पेड़ है जो 24 आवर ऑक्सीजन देता है, ये रात को भी ऑक्सीजन देता है। तो वृक्ष पूजा प्रचलन था, इसमें पीपल की पूजा पूरे एरिया में होमोजेनियसली किया जाता था। नाग पूजा का भी प्रचलन था,
नाग को दूध पीता पिलाता हुआ महिला का मोहरे मिली है, और नाग को नाग के साथ जहाँ जहाँ उनके देवता मिले हैं, जिसमें वही बोला ना धुआं का चित्र, उस जगह पे नाग की भी मूर्तियाँ मिली हैं। जल पूजा का प्रमाण है, पशु पूजा का प्रमाण है। पशु में इसके कुब्बड़ वाला साढ़ प्रिय, सबसे पूछेगा प्रिय पशु क्या है, कुब्बड़ वाला साढ़, ठीक है, इनको ये पूजते थे। और प्लस इसी को कहते हैं एक सिंगी साढ़। अब यहाँ पे साढ़, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं हो जाइए, कहीं कहीं लिखा हुआ एक सिंग वाला साढ़, वही साढ़ का कुब्बड़ है, क्लियर। तो इनके पशुओं की पूजा होती थी इस तरह। सूर्य पूजा का भी प्रमाण है, आप जो स्वास्तिक का चिन्ह देखते हो ना, स्वास्तिक, ये स्वास्तिक का चिन्ह आज भी हम लोग यूज करते हैं। तो ये स्वास्तिक का चिन्ह किसको, सूर्य देवता को समर्पित है। तो ये स्वास्तिक का प्रमाण भी मिला है उसके मुहरों में, तो इससे पता चलता है कि सूर्य पूजा का प्रमाण था वहाँ पे, और स्वास्तिक वहीं से लिया गया है, हड़प्पा सभ्यता से। भूत प्रेत अंधविश्वास इसको भी मानते थे इन लोग। भूत प्रेत अंधविश्वास जो थे, कैसे पता चला, ताबीज मिले हैं बहुत, ताबीज बनाने की इंडस्ट्री भी वहाँ पे बहुत फेमस थे। ताबीज के ऊपर मिला है पीपल का पत्ता, इससे पता चलता है कि पीपल के पत्ता वहाँ का बहुत सम्मान किया जाता था, उसमें ताकत मानी जाती थी। शिवलिंग की भी प्रमाण मिले हैं, शिवलिंग का भी प्रमाण मिला। पर्दा प्रथा, ये पर्दा प्रथा जो घूंघट लगाते हैं, ये उस समय भी चल रहे थे। सिंदूर, वहाँ की महिलाएं सिंदूर लगाती है, इसका नौशेरा बोल के जगह, एक जगह है नौशेरा में एक मूर्ति मिली है जिसमें सिंदूर लगाया हुआ लड़की का प्रमाण मिला है। तो धार्मिक जीवन में इतना ही। और मैं ये बता दूं कि धर्म सिर्फ जीने का आधार था इन लोगों के जीवन में, धर्म एकदम हावी नहीं था इंसानों के क्रियाकलापों में, कि धर्म हवन करना ही है, पूजा करना ही है, ये कोई जोर नहीं है, वो सिर्फ जीने का अधिकार है, जीने का आधार है। लेकिन ये नहीं है कि करना ही करना, हावी नहीं है इंसानों को। ये किस तरह के उपयोगितावादी धार्मिक थे, उपयोगितावादी, जो चीज़ इसके डेली लाइफ में यूज होता है वो उनको आदर सम्मान देते थे। प्लस अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ यज्ञ की भी परंपरा थी। आपको मैं बता दूँ, कालीबंगा और लोथल, ये दो जगह जहाँ है, यहाँ पे क्या क्या मिले हैं वो देखिए, हवन कुंड मिले हैं यहाँ, हवन कुंड, ठीक है, हवन कुंड, ठीक है। दूसरा, कालीबंगा और लोथल में ये देखिए, आपको यहाँ पर ट्रिक्स मिल जाएगा आपको। कालीबंगा और लोथल को जुड़वा मान लीजिए, क्योंकि ये जुड़वा कैसे याद रहेगा, क्योंकि युग्म मूर्तियाँ, लाशें जो एक साथ स्त्री पुरुष का जहाँ पे कब्र में मिला है, वो कालीबंगा और लोथल दो ही जगह पे प्रमाण मिला है। तो जो सवदाह युग्म सवदाह का प्रमाण जो दफनाया गया है युग्म रूप में, कुत्ता और आदमी का भी मिला है, स्त्री और पुरुष का भी मिला, वो कालीबंगा और लोथल का। अब कालीबंगा और लोथल को कॉमन रहने दीजिए। और हवन कुंड, जो यज्ञ का हवन कुंड का प्रमाण कहाँ मिला है, कालीबंगा लोथल प्लस बनवाली, ठीक है, क्लियर। और फिर घोड़े का प्रमाण कहाँ मिला है, कालीबंगा लोथल और एक सूर कोतड़ा, ठीक है, यहाँ घोड़े का प्रमाण मिला है, घोड़े का, ठीक है। इसी को कोरिलेट कर लीजिए, अभी कहाँ क्या मिला है उसका मैं एक सिंपल सा ट्रिक्स बनाऊंगा अगला वीडियो में, आपको सारा याद करा दिया जाएगा। चलिए, ये मैं हड़प्पा सिविलाइजेशन का ये ख़त्म कर दिया धार्मिक जीवन, अब शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब राजनीतिक जीवन में क्या है, कभी क्वेश्चन पूछ देता है उसका राजनीतिक स्ट्रक्चर कैसा था, तो क्वेश्चन आ जाता है उचित समतावादी। उचित समतावादी मतलब यहाँ पे अन्याय नहीं हो रहा है,
धनिक वर्ग हमेशा धनिक वर्ग का ही शासन रहेगा जहाँ भी रहे, ये तो इकोनॉमिक्स का रूल है, पता ही है। तो इसको उचित समतावादी नाम दिया गया, क्योंकि अगर ये शासन में भेदभाव नहीं करते थे, उचित समतावादी शासन था। राजनीतिक जीवन में राजतंत्र का कोई प्रमाण नहीं मिला है, कोई राजा हुआ करता था, क्योंकि राजतंत्र का प्रमाण अगर राजा हुआ करता था तो महल मिलता, महल नहीं मिले। अगर राजा हुआ करता तो तलवारें हुआ करती लड़ाई करने के लिए, क्षेत्र जीतने के लिए, वो नहीं थे। तो इसका सबसे अच्छा समझाया हंटर साहब ने, हंटर साहब ने इसे कहा कि वो राजतंत्र नहीं, वो गणतंत्र, गणतंत्र था वहाँ पे, गणतांत्रिक शासन था वहाँ पे, गणतांत्रिक शासन था वहाँ पे, ठीक है। इकाई परिवार ही होते थे सबसे, इकाई परिवार ही सबसे छोटा स्वरूप राजनीति का परिवार ही होते थे। और शासन जो हाथ में था, ये अनुमान लगाया जाता है कि वो कुछ धनिक वर्गों के पास शासन का ये था, बागडोर था, वो चाहे पुरोहित हो गए, व्यापारी होंगे, व्यापारी या नगर प्रशासन बोल के कोई, किसी नगर प्रशासन बोल के कोई संस्था होगी, ये अनुमान लगाया गया है कि राजनीतिक जीवन ऐसे ही हो गए। और इसके ग्रीड पद्धति, इन लोगों का जो स्पेशलाइजेशन जो था, ग्रीड पद्धति, इन लोग जो घर बनाते थे वो घर को बनाने की पद्धति को ग्रीड पद्धति कहते हैं। ग्रीड पद्धति क्या होती थी, जब रास्ते एक दूसरे को पूरी तरह से काटे समकोण में 90 डिग्री पे, ये हो गया ग्रीड पद्धति। ये देखिए 90 डिग्री में, पूरा 90 डिग्री में काट दिया। आजकल का जो नए फ्लैट्स प्लॉट्स प्लॉटिंग होते हैं वो एकदम ग्रीड पद्धति में ही होते थे। तो उस ज़माने में देखिए ग्रीड पद्धति में हो रहे हैं, और हम लोग आज यहाँ घर बना दो उधर बना दो, हम लोग ऐसे ये नहीं है। ये देखिए ये ग्रीड पद्धति हो गया कि ई में काटे, और जो घर बनते थे ऐसे बनते थे, ऐसे घर बनते थे, और इधर पतली सड़कें होती थी, इधर घर बन गए, ये सब घर बन गए। समझ लीजिए कि जो शतरंज के जो मैट होते हैं उसी तरह के होते हैं ये थे। सर जिस तरह घर, जिस तरह चौड़ा होते थे, देखिए इधर पतला रोड है, जिधर चौड़े रोड की तरफ कभी इसकी खिड़कियां नहीं खुलती थी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी खिड़कियां हमेशा पतले रोड की तरह खुलती थी। ये बहुत बड़े ये ग्रीड पद्धति का एक नियम है ये, ठीक है। बहुत अच्छे चीज़ें थे ये, शायद धूल से बचने के लिए या सिक्योरिटी के लिए ऐसे करते थे। जो पतली गलियां होती थी उस तरह से दोनों लोग आते, ये पतली गलियां हैं और ये जो है चौड़ी नगर की गलियां, उस तरफ बंद रहते थे उसकी। और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नालियों की बहुत बड़ी सब, ये जो बताया कि ये जो ग्रीड पद्धति, ये सबसे बड़ा नगर प्रशासन का ये था, सलाइन फीचर है हड़प्पा सभ्यता का। और दूसरा है नालियों का जाल, नालियों का जाल इस तरह बिछा हुआ था कि सबसे पहले हर एक घर में शौचालय मिलेंगे आपके, हर एक घर में तालाब था, कुएं थे, शौचालय थे, और जितने भी पानी होते थे वो नालियों के थ्रू, वो पूरे शहरों के पानी एक जगह जमा होते थे, एक गड्ढे में, हौज में जमा होते थे, गंदगियां सारे हौज में गिर जाती थी, ताकि क्या बोलता है नदियों में ज़्यादा पोल्यूशन ना फैले, इस तरह की व्यवस्था थी। इतनी अच्छी व्यवस्था थी, हर जगह ईंटों की व्यवस्था, ईंटों से नालियां बनाई गई थी। लेकिन धोलावीरा बोल के एक जगह है, इसकी नाली की व्यवस्था सबसे सटीक और सबसे अच्छी थी, धोलावीरा, ये गुजरात में है धोलावीरा। यहाँ के क्या विशेषता थी इसकी नालियों के, लकड़ी की नालियाँ थी, लकड़ी की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है धोलावीरा। बाकी हर जगह ईंटों की नालियाँ थी, ईंटों के साइज हमेशा 4:2:1 में है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ईंट का दो तरह के ईंट का प्रमाण मिला है, एक कच्चे ईंट, एक पक्के ईंट। कच्चे ईंट का यूज हमेशा बाउंड्री किले बनाने के लिए, घर के किले बनाने के लिए किया जाता था, लेकिन जो ओरिजिनल घर जिसमें हम लोग रहते थे वहाँ पकी हुई ईंटों का प्रमाण मिलता है। चलिए अब सामाजिक व्यवस्था में बता देता हूँ आगे। सामाजिक व्यवस्था में क्या था, ये समाज मातृसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक माँ प्रमुख था। क्यों, इसकी जितने भी मूर्तियाँ मोहरे पुरुषों के चित्र नहीं के बराबर मिले हैं, और स्त्रियों के चित्र
बहुत ज़्यादा मिले हैं, तो मतलब इसके माँ का सत्ता जरूर होते हैं। वैदिक सभ्यता में वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, लेकिन इस सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता में कोई वर्ण व्यवस्था की कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। लेकिन हाँ कुछ ई में बटे हुए थे, जैसे शिल्पी श्रमिक व्यापारी, इस तरह बटे हुए थे, लेकिन वर्ण व्यवस्था का कोई प्रमाण नहीं मिला है। और इतना तो पता चल जाता है कि उस समय दो वर्गों में बटे हुए थे। इसका प्रमाण ये मिला है कि ये देखिए क्या बोलता है, वो जो घर होते मतलब जो रहने की बस्तियां होती थी, नगर दो भागों में बटे हुए थे। पश्चिमी भाग जो होते थे वो ऊंचे स्थानों में होते थे और पूर्वी भाग निचला स्थानों में होते थे। इसके घर मिले हैं छोटे छोटे, इसके बड़े बड़े मिले हैं। इसकी व्यवस्था बहुत अच्छे हैं, सन सूर्य आने की व्यवस्था प्लस किले बने हुए हैं, नालियों की व्यवस्था इससे अच्छी है। इससे ये प्रमाण होता है मिनिमम दो वर्ग तो वहाँ पे थे ही थे। दो वर्ग में एक उच्च वर्ग जो होते थे वो ऊंचे वाले जगह में रहते थे। पूछा जाता है जो ऊंचे वाले जगह में सीटेडल बोलते होते, सीटेडल आपने अगर ये मूवी देखा होगा मोहनजोदड़ो, तो उसमें दिखाया भी गया है सीटेडल कि ये उच्च भूमि में रहते थे। तो जहाँ पे मतलब अमीर लोग रहते थे उस जगह को क्या कहते हैं, उसे सीटेडल कहते हैं, और निम्न भूमि में गरीब लोग रहते थे। तो ये है उसके सामाजिक चित्रण मैंने बता दिया।